इंदौर शहर के ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित होकर आशा उषा कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएमएच कार्यालय पहुंचकर अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सीएमएचओ अधिकारी को ज्ञापन दिया है। 15 फरवरी को भोपाल पहुंचकर नीलम पार्क में उग्र आंदोलन की बात कही है। दरअसल आपको बता दें, साल 2006 से आशा उषा कार्यकर्ता नियुक्त हैं, जिसको लेकर आज तक आशा उषा कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इसको लेकर आज इंदौर शहर के 15 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से आशा उषा कार्यकर्ता एकत्रित होकर इंदौर सीएमएचओ कार्यालय पहुंची और अपनी पीड़ा को देखते हुए ज्ञापन सौंपा है। आशा कार्यकर्ता जो 2006 से नियुक्त है, उनको कोई निश्चित मानदेय नहीं दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि सरकार द्वारा हमें 10,000 रुपये प्रति माह आशा कार्यकर्ता को मानदेय दिया जाए, उनके लिए आरोग्य केंद्र पृथक किया जाए, और हम लोगों को जो आशा पर्यवेक्षक है, 10 से 15 गाँव है हमारे पास, लेकिन हमें कोई यात्रा भत्ता नहीं है। हमारा यात्रा भत्ता 300 रुपये रोज किया जाए, और हमें 250 रुपये रोज प्रति माह जो मिलता है उसे बढ़ाकर 500 रुपये रोज किया जाए। तो हमारी मांग यह है कि आशा कार्यकर्ता को प्रतिमाह 10,000 रुपये फिक्स किया जाए, 15,000 रुपये आशा पर्यवेक्षक के किया जाए, और 300 रुपये प्रतिरोज यात्रा भत्ता किया जाए, और जो भी हमारे यहाँ निश्चित एक मानदेय किया जाए, और हमारा एक टाइमिंग फिक्स किया जाए। आशा कार्यकर्ता 24 घंटे कार्य करती है, कोई टाइम नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी है, 6 घंटे ड्यूटी है। समय समय पर कर्मचारी अधिकारी हम लोगों को धमकी देते हैं कि आपको निकाल दिया जाएगा, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको हटा दिया जाएगा। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारे से पंचायत का काम करवाया जाता है, स्कूलों का काम करवाया जाता है, मतलब किसी भी विभाग का काम हो 24 घंटे हमको करवाया जाता है। आयुष्मान कार्ड का सर्वे हो या शिक्षा विभाग का, शासन का इतना दबाव है आशाओं का, मतलब 2006 से आशाओं का शोषण दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, और ये शोषण आप बंद कीजिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। 15 तारीख को हम भोपाल में जाकर नीलम पार्क में धरना देंगे। हमारे पास ग्रामीण भी और अर्बन में भी आशा कार्यकर्ता उषा कार्यकर्ता ऑलरेडी है, और ये चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की हमारी बेसिक कड़ी रहती है, वो जो सारी मेटरनल चाइल्ड हेल्थ की बात करें या मेटरनल हेल्थ की बात करें या हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट रोकने के लिए या उसका फैमिली प्लानिंग की बात करें या हमारे दूसरे भी एनसीडी नोड का कार्यक्रम हो या टीबी का कार्यक्रम हो चाहे लेप्रोसी का कार्यक्रम हो, तो ये हमारे एक बेसिक कड़ी के साथ साथ ही हमारे से कंधे लगा के बाकायदा काम कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, शुरू से जब से इन्होंने लगे है उस उनको इंसेंटिव वगैरह भी नहीं था, मगर अभी इंसेंटिव कुछ इसमें इंसेंटिव बेस भी है, लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी जो जेन्युइन मांग्स है इन लोगों का हम लोग फॉरवर्ड आगे स्टेट लेवल पे कर देंगे, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं ये सीएमएचओ लेवल की नहीं है और ये टोटली जो है ये राज्य स्तर से, तो हम राज्य स्तर पे इसको पहुंचा देंगे।